और बड़ी खबर आपको बता दें रायपुर से, जहां पर डबल मर्डर में पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है। 7 से 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। कल शाम सड्डू में विवाद के बाद 2 युवकों की हत्या हो गई थी। पुलिस ने दोनों मामलों के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आज शाम पुलिस मामले का खुलासा भी करने वाली है। विधानसभा थाना क्षेत्र में ये वारदात हुई थी। तो रायपुर से बड़ी खबर है, जहां पर डबल मर्डर हुआ था। दोनों मामले में आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और पुलिस दोनों ही मामले में आज बड़ा खुलासा भी कर सकती है। तो पुलिस ने 7 से 8 आरोपियों को यहां पर गिरफ्तार कर लिया और इस पूरे मामले पर आगे भी कड़ी कार्रवाई की बात कही जा रही। बता रहे कि कल शाम सड्डू में 2 युवकों की हत्या की गई थी और बेदर्दी से इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया था, जिसके बाद अब एक बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। गिरफ्तारी आरोपियों की हुई है। तो आज शाम पुलिस इस पूरे मामले का खुलासा करेगी कि कौन थे ये लोग जिन्होंने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया था, किस वजह से वारदात को अंजाम दिया गया था, ये सबसे बड़ा सवाल है। इसे लेकर अब पुलिस जल्दी शाम तक खुलासा करने वाली है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी संदीप शुक्ला हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं। संदीप, आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है, क्या लगता है आगे किस तरीके के खुलासे मामले पर हो सकते हैं? देखिए, टोटल जो है 7 से 8 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है इसमें, और रोहित सागर के जो हत्या के आरोपी है वो गिरफ्तार नहीं किए गए थे। हमने दोपहर को खबर दिखाई थी कि हरीश साहू की जिन्होंने हत्या की थी उसमें से 2 से 3 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया था, और शाम को जब दोनों की हत्याओं के आरोपी जब कंफर्म हो जाएगी उसके बाद खुलासा होगा। तो 2 से 2.5 घंटे में पुलिस पूरे मामले का खुलासा करेगी और कहीं ना कहीं नशा बड़ा इसका कारण निकल कर सामने आ रहा है, क्योंकि सड्डू शराब भट्टी से ही लड़ाई शुरू हुई थी, फिर आपसी बहस विवाद और उसपे विवाद इतना बढ़ता गया कि हत्याकांड पे तब्दील हो गया। तो लगातार ABC 24 प्रमुखता से इस खबर पे बना हुआ था कल से, और कहीं ना कहीं हमारी खबर का भी असर है, क्योंकि बता दें कि जो पहली कार्रवाई थी पुलिस ने उसको कहीं ना कहीं देर कर दी थी, जिसके कारण हरीश साहू की मौत भी हो गई थी। तो इंतजार करना होगा ये 2 से 2.5 घंटे में जो सभी आरोपी हैं। तो इंतजार है पुलिस के इस पूरे मामले पर, खुलासे का अपडेट जरूर आपसे लेंगे। खबर पर नजर बनाए रखिएगा। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।